हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना की भाजी। तो उसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कि चना की मैंने 1 किलो चना की भाजी ली है, और मैंने 1 पाव भतुआ की भाजी ली है, मैंने 2 गांठ लहसुन लिया है, अदरक लिया है, मिर्ची ली है 4-5, और टमाटर लिया है मैंने 1/2 किलो। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और भाजी को मैं काटूँगी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये चना की भाजी को बारीक काट लिया है, भतुआ की भाजी को भी मैंने बारीक काट लिया है। इनको मैं बॉईल कर लूँगी और बॉईल करके पीस लूँगी। और मैंने टमाटर काट लिए हैं, और ये मैंने मिर्ची और अदरक को भी काट लिया है, लहसुन ले लिए। अब लहसुन और मिर्ची अदरक और टमाटर को मैं मिक्सी में पीसूंगी, और उसी में मैं भाजी को भी बॉईल करके पीस लूंगी। गाइस, आप देख सकते हैं कि पानी उबलने लगा है, और इसमें मैं चना की भाजी को डाल दूंगी बॉईल करने के लिए ये, और इसी में मैं भतुआ की भाजी को भी डाल दूंगी, और दोनों भाजी को मैं उबाल लूंगी, बॉईल कर लूंगी, और इसी पानी को फिर हम छान करके बाद में भाजी में यूज कर लेंगे। हम इस तरह से इसको बॉईल कर लेंगे और ढाँक देंगे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद फिर से आप छान लीजिए, और छान करके फिर से आप बाद में 15 मिनट के बाद इसको पीस लें, गरम गरम ना पीसें। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने चना की भाजी को बॉईल करके पीस लिया है मिक्सी में अच्छी तरीके से, और मैंने अदरक मिर्ची लहसुन और टमाटर को भी पीस लिया है। गाइस, मैंने इसमें चना की भाजी में मैंने धनिया भी पीस लिया। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे 2 टेबल स्पून। वन टीस्पून हम इसमें जीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून हम मेथी डाल देंगे। 1 टीस्पून राई डाल देंगे। हींग डाल देंगे हम 1 टीस्पून। अब इनको तड़कने देंगे। जब मसाले तड़कने लगेंगे तब इसमें हम मिर्ची और लहसुन को डाल देंगे। वन टीस्पून इसमें हम हल्दी डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक मिर्ची लहसुन टमाटर को डाल देंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगी तब फिर हम इसमें चना की भाजी डालेंगे। अब इसमें हम चना की भाजी को भी डाल देंगे, और सबको एक साथ अब हमको पका लेना है। हमारी भाजी पक रही है, इसमें हम 2 चम्मच नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप डालिए। तो ये हमने नमक इसमें मिला दिए। अब ये अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए, भाजी हमारी बन गई है। अब इसमें हम धनिया मिला देंगे। हमने इसमें पीस के भी धनिया मिलाई है 100 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम हमने काट के भी धनिया मिलाई। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है भाजी में। तो ये देखिए, भाजी बनकर तैयार है। तो गाइस, तो बनकर तैयार है चना की भाजी, जिले बहुत ही लाजवाब भाजी बनी है। प्लीज़ आप भी बनाएं इसे और खाएं, और पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।